एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज विद माही पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से किसी भी कॉलेज में पता लगा सकते हैं कि कौन सा कोर्स है। जैसे कि आप बीए करना चाहते हैं किसी स्कूल से, आप कैसे पता करें बिना स्कूल जाए, बिना स्कूल से संपर्क किए हुए कि इस स्कूल में कौन सा विषय उपलब्ध है। अगर आप बीएससी करना चाहते हैं तो भी दोस्तों इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। वीडियो एंड तक देखें दोस्तों। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सिंपली आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। जैसे ही आप अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे, इसके बाद आपको कानपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। दोस्तों, आप यहां पर छत्रपति साहू जी महाराज या CSJM कानपुर यूनिवर्सिटी .com पर जा सकते हैं। दोस्तों, हमारे में पहले से एक्टिवेट लिंक है। दोस्तों, आप टाइप भी कर सकते हैं। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है, कानपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसे ही जाएंगे, इसके बाद आपको थोड़ा ऊपर जा, आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा एक नज़र में विश्वविद्यालय। दोस्तों, थोड़ा जूम करके भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा एक नज़र में विश्वविद्यालय। सिंपली आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल कर आएगा। दोस्तों, हमको पता करना है कि किस विद्यालय, किस यूनिवर्सिटी में, किस कॉलेज में कौन कौन से विषय हैं, कौन कौन से कोर्स उपलब्ध हैं, जैसे कि बीए, बीएससी या बीकॉम, एमकॉम, बीएड है या नहीं। तो सिंपली आपको पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, गैर मेडिकल कॉलेज का विवरण। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, दोस्तों आपके सामने एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी। आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड हमने पहले से कर लिया है। दोस्तों, सिंपली इसको हम ओपन करके आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही आप ओपन कर लेंगे, इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी विद्यालयों का डाटा उपलब्ध है। यहाँ पर आपको सिंपली टाइप क्या कर, आपको यहाँ पर ये जो सर्च बार का ऑप्शन मिल जाएगा, आप अपने स्कूल का नाम यहाँ पर टाइप कर दें। जैसा कि हमने अपने स्कूल का नाम यहाँ पर टाइप कर दिया है, इसके बाद जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे, आपके सामने स्कूल का नाम आ जाएगा। दोस्तों, मैं आपको थोड़ा जूम करके भी दिखा दूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर यह कॉलेज रायबरेली ज़िले में स्थित है, और स्कूल का नाम है श्री बरखंडी महाविद्यालय शिवगढ़ रायबरेली। और यहाँ पर देख सकते हैं स्कूल में, आप देख सकते हैं यहाँ पर बीए, बीएड और बीएससी, एजी, यहाँ पर तीन कोर्सेज उपलब्ध हैं। इसी तरीके से आप दूसरे में भी देख सकते हैं कि कौन कौन से विषय उपलब्ध हैं। आप इस तरीके से आप जिस विद्यालय का देखना चाहते हैं, सिंपली आपको उस विद्यालय का नाम टाइप कर देना है, और सिंपली आपको वह स्कूल मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट नेम लिखा, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट शो कर रहा है इस लाइन में। इसके बाद यहाँ पर कोड, विद्यालय कोड जो होता है। इसके बाद यहाँ पर आप इस वाले ऑप्शन में कॉलेज का नाम मिल जाता है सिंपली, और इसमें इधर जो ये बड़ा सा कॉलम है, इसमें कौन से कोर्सेज के विषय में बताया गया है कि किस स्कूल में कौन कौन से कोर्स हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो कानपुर में स्कूल है, जिसका नाम है शहीद भगत सिंह लॉ कॉलेज बिठौर कानपुर, इसमें सिर्फ LLB है। और इसके ऊपर वाले में देख सकते हैं BA, BCom, BEd, इसी तरीके से बहुत सारे कोर्सेज हैं। आप नीचे देख सकते हैं 124 इस वाले ऑप्शन में देख सकते हैं इस स्कूल में BBA और BCA
और इसके बाद जो इसके नीचे स्कूल है उसमें सिर्फ बीए है। दोस्तों इस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन से पता कर सकते हैं कि किस यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स उपलब्ध है। दोस्तों यह हमारी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों इसी तरीके की रिलेटेड वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।